लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड विद द फंडामेंटल्स ऑफ कैपेसिटेंस। सिंगल लाइन में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं। कभी कभार लंबा लेक्चर होने के बाद आपको पता नहीं रहता है कि क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, वैसे वो सारा चीज़ जानना जरूरी है। आपको मालूम नहीं है कि आप प्लस टू के बाद कोई फिजिक्स ऑनर्स लेके करोगे या फिर फिजिक्स में पीजी करोगे आगे, तो प्योर साइंस तो जानना जरूरी होता है। कुछ लोग बोर्ड के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जेई के लिए जाएंगे, उनके लिए भी चाहिए, है ना। कुछ लोग आइजर नाइजर में जाएंगे, उनके लिए भी चाहिए। तो चीज़ों को बहुत डिटेल्स में बताया था, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हुआ। तो आज सिंगल लाइन में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट 40 इज ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। क्या था आपको मालूम है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या है? क्या है? इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड। इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिट क्या बन गया इसका? यूनिट इज वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, जो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। बस और एक चीज आपको याद रखना है एज ए डाटा कि ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ फॉर एयर इज कितना है। क्या याद है किसी को ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ फॉर एयर क्या था? इट वॉज 36 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच में अगर गैप 1 सेंटीमीटर रहा और हम यहाँ पे 36 किलो वोल्ट 36,000 वोल्ट अप्लाई कर दिए तो ऑटोमेटिकली ये पंक्चर कर जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा, टच करवाने की जरूरत नहीं है। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के बाद हम लोग क्या देखे नेक्स्ट? देखे कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। आपकी बुक में लिखा है कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ व्हिच ए कंडक्टर स्टोर्स चार्ज। बुक में लिखा है, बुक के भक्त उसको पढ़ लो, ठीक है। मेरा डेफिनेशन कुछ अलग था। इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसका प्रॉपर्टी? ए डाइलेक्ट्रिक बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट स्टोर्स, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन एक्सपोज्ड टू, व्हेन exposed to external electric field, when exposed to external electric field, ये हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में। If q amount of charge appearing at two ends of a dielectric, ये कौन सा चार्ज होते हैं? बाउंड चार्ज होते हैं। डेवलप ए पोटेंशियल डिफरेंस ही, देन C इज इक्वल टू क्या होता था? फॉर्मूला सबको याद होगा, C इज इक्वल टू Q बाय V, इट वाज Q बाय V, यूनिट होता था फराड। बुक वाला डेफिनेशन पता चलता है कि एज इफ कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर,
बट नहीं है, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक। एक कैपेसिटेंस बनाने के लिए डाइलेक्ट्रिक की जरूरत है, कंडक्टर की जरूरत नहीं है। किसी तरह से अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, उसमें डाइलेक्ट्रिक रखते हो, तो उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए कैपेसिटेंस। फिर हम लोग क्या देखे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो पैरेलल प्लेट होते हैं। सिंपल सा चीज है, दो पैरेलल प्लेट होते हैं तो उनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, और उसके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक भरा रहता है, और ये दोनों प्लेट का एरिया बराबर रहता है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको प्लेट सेपरेशन डी कहते हैं, और इसके बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। सो दिस डाइलेक्ट्रिक विल एग्जिबिट कैपेसिटेंस इफेक्ट व्हेन यू प्रोड्यूस एन एक्सटर्नल और प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट के बीच में जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट एग्जिबिट होगा। और ये डेरिवेशन में हम लोग देखे थे कि अगर यहां पर क्यू चार्ज होता है तो यहां पर चार्ज होता है माइनस क्यू, यहां पर क्यू चार्ज होता है तो यहां पर चार्ज होता है माइनस क्यू, ये चार्ज क्यू है तो ये चार्ज माइनस क्यू है। ऐसा केस में लेट क्यू इज चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। क्यों लिख रहा हूं इसको, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसीलिए सबको जानना है ये पॉजिटिव प्लेट। तो अगर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा करके पूछ लिए तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। लेट क्यू इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, है ना, ए इज प्लेट एरिया, डी इज प्लेट सेपरेशन। यूजुअली ये प्लेट सेपरेशन जो है वो सम मिलीमीटर्स में होता है, 2 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर लाइक दैट, बहुत ही कम रहता है, ठीक है। नाउ पहले हम देखें कि फाई फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ पॉजिटिव प्लेट कितना है, आपको तो गॉस लॉ आता है, पॉजिटिव प्लेट में चार्ज है क्यू, तो जो फ्लक्स निकल के आएगा वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन 0 ने? अच्छा, फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव प्लेट इज क्यू बाय एप्सिलॉन 0। ये जो फ्लक्स है ये पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव प्लेट तक जा रहा है, क्योंकि क्यू से शुरू करके माइनस क्यू में जाना उसका नियत है। फ्लक्स गोज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज, एंड यू क्लियरली सी कि यहां से जो फ्लक्स निकल के जा रहा है, यहां से जो फ्लक्स निकल के जा रहा है वो फ्लक्स ऐसे जा रहा है और पॉजिटिव प्लेट से निकल के नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, और इस बहाने कितने एरिया पे जा रहा है, एरिया ए पे जा रहा है। अगर ए एरिया पे फ्लाई फ्लक्स जा रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखे थे, फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, तो आप कहोगे ई, E क्या है यहाँ पे, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी कहाँ, बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, ये इट इज फ्लक्स पासिंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, द फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन 0, तो एरिया इज ए, सो इट कम्स आउट टू बी क्यू बाय ए एप्सिलॉन 0। जो भी फ्लक्स पॉजिटिव प्लेट से निकल रहा है, सेम फ्लक्स नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है, सेम एरिया पे जा रहा है, तो हम कहेंगे फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स। क्या चीजें समझ में आ रहा है? चलिए, हाँ, फील्ड इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट, पैरेलल प्लेट का पैटर्न में
फील्ड दोनों प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह बराबर है। वी और आई कॉल इट वी सब्सक्रिप्शन सी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। देखो भाई लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और कितना थोड़ा सा लिखने से फुल मार्क मिलेगा। यूजुअली स्कूल वाले बहुत ही लंबा ऐसे टाइप का कर देते हैं, प्रिसाइजली लिखना है, थोड़ा सा लिख के भी आपको फुल मार्क मिल सकता है इफ ऑल द डाटा रिक्वायर्ड इज गिवन। VC इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अच्छा तो कैसे निकालते हैं, इट इज वार्डन अगेंस्ट ई इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेट टू अदर। और आप जानते हो ई है फील्ड इंटेंसिटी, हर जगह है कांस्टेंट है, डी है दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी ई इनटू डी। दिस ई इनटू डी कैन बी अंडरस्टूड एज, आप ई के जगह वैल्यू डाल दो क्यू बाई ए एप्सिलॉन, सो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पता ये चला 10 कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट्स, बिटवीन प्लेट्स मतलब किसका जो है बिटवीन प्लेट्स कौन है, डाइलेक्ट्रिक। अगर दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, कोई कंडक्टिंग ब्लॉक डाल देते तो कैपेसिटेंस नहीं होता। कैपेसिटेंस तब होगा जब देर इज ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। Thus, capacitance between the plates is C is equal to when you give charge Q, you get a potential difference VC. अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले देखे हम, VC was Q dy A epsilon 0, keeping that in mind, Q by V, VC को इधर ले आइए, बाकी को इधर ले आइए, it is A epsilon naught by D. Yes, ये हो गया parallel plate capacitor का capacitance का फॉर्मूला। यहां पे एक्स्ट्रा यूज करेंगे, इफ द कैपेसिटर यूजेस ए डाइलेक्ट्रिक, यूजेस ए डाइलेक्ट्रिक देन कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाय डी। बस ये याद रखना है, ये याद रखना है, समझ में आया। सो इन जनरल हम कैपेसिटेंस को ए एप्सिलॉन बाय डी कहेंगे, जिसमें एप्सिलॉन क्या है, इट इज एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। अगर ए आर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज इसका वैल्यू आएगा। क्या ये चीजें समझ में आया, ये हो गया कैपेसिटेंस। हां बोल सर, आप जो बोल रहे थे चार्ज इस पे डिपॉजिट हुआ है और इस पे डिपॉजिट हुआ, तो जरूरी था नहीं कि जितना चार्ज इस पे डिपॉजिट हुआ उतना ही एंड डायरेक्टली के एंड में भी होगा। हाँ, जितनी चार्ज होगा, मान लो कि ये कोई प्लेट है, ये कोई प्लेट है, और यहाँ पर अगर क्यू चार्ज है तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज नहीं होगा, तुम ये बोल रहे हो? नहीं सर, हम बोल रहे हैं तो डायलेक्ट्रिक के बीच में, डायलेक्ट्रिक में बीच में ये जो डायलेक्ट्रिक है, यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होगा, जो डाइपोल होगा, हाँ वो चार्ज इससे अलग होगा। तो सर फिर कैपेसिटेंस का लिखे थे Q amount of charge appearing in the two ends of dielectric। अगर हम यहाँ का चार्ज कर लेंगे, मान लो कि डाइलेक्ट्रिक में क्या हुआ, डाइपोल से ऐसे अरेंजमेंट हो गया ना, ऐसे डाइपोल अरेंजमेंट हो गया तो बाउंड चार्ज दिखने लगा। ये जो बाउंड चार्ज दिखने लगा, ये बाउंड चार्ज का वैल्यू कितना होगा, सपोज ये चार्ज, इसको QB कहो, QB का वैल्यू होता है Q into 1 minus 1 by epsilon r, ऐसा होता है। हाँ तो अगर ये निकालेंगे, ये वाला चार्ज को कंसीडर करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको देखना है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो घट जाता है एप्सिलॉन आर के चलते, ये चीज हो जाता है। हाँ, यू हैव टू सी द चार्ज हियर और यहीं से तो डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट हुआ, समझ में ना, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्यू बाई वी करके कैपेसिटेंस कहेंगे। मैं क्या करूं, मैं भी अंदर ले सकता हूं, अब बोर्ड में तो उतना ही चाहिए होता है ना, तो वहां पर जो बाउंड चार्ज होता है, बाउंड चार्ज क्यू के बराबर नहीं है। अगर प्लेट में चार्ज क्यू है तो डायलेक्ट्रिक के फेस में चार्ज क्यू नहीं होता है, दूसरा होता है, ठीक है, वो कुछ अलग होता है चार्ज।
एनीवे देखेंगे। हाँ तो यहाँ पे हो गया कि जो रिलेटिव द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा अभी। 1 फैराड, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 कहें इसको। ये जो 1 फैराड है, सपोज हमें 1 फैराड का एक कैपेसिटेंस चाहिए। आप देखो कि जो C है इट इज ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। सपोज हम कोई एयर कैपेसिटर ले रहे हैं, सपोज डी कितना लेंगे, डी लेंगे 1 मिलीमीटर। सपोज बहुत ही कम लेंगे तो 1 मिलीमीटर लेंगे, तो ये चीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^-3। और ये जो एप्सिलॉन 0 है इसका वैल्यू कितना होता है, समथिंग इनटू 10^-12। समझ में आ रहा है क्या? तो एप्सिलॉन 0 बाय डी का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 बाय डी इज रफली अराउंड 10^-9 है कि नहीं? अभी अगर मुझे 1 फैराड कैपेसिटेंस बनाना है तो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10^9। एरिया कितना होना चाहिए, 10^9 मीटर स्क्वायर। 10^9 मीटर स्क्वायर, समझ रहे हो? 10^9 मीटर स्क्वायर मतलब ये कितना हो जाएगा, 10^4.5 मीटर। ये 10^4.5 मीटर ऐसे स्क्वायर प्लेट लेंगे जिसका साइड लेंथ कितना है, 10^4.5 मतलब 10,000 मीटर साइड लेंथ वाला स्क्वायर प्लेट दो ठो लेंगे, उनके बीच में 1 मिलीमीटर का गैप करेंगे तो कैपेसिटेंस मिलेगा 1 फैराड। मतलब 1 फैराड का कैपेसिटेंस पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है ही नहीं। बस ये समझ में आना चाहिए कि 1 फैराड इज ए वेरी लार्ज कैपेसिटेंस, 1 फैराड इज ए वेरी लार्ज कैपेसिटेंस। तो आपको याद रखना है कि कैपेसिटेंस 1 फैराड पाना तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ होता है बिटवीन 2 क्लाउड्स कैपेसिटेंस देखेंगे या किसी बहुत बड़ा क्लाउड के साथ ग्राउंड का कैपेसिटेंस देखेंगे, बट लेबोरेटरी में 1 फैराड कैपेसिटेंस बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है कि 1 फैराड इज ए लार्ज यूनिट ऑफ और वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इतना बड़ा कैपेसिटेंस तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग कैपेसिटेंस जब यूज करेंगे देखेंगे मोस्टली वी विल बी यूजिंग इन माइक्रो फैराड्स, मतलब 10^-6। समझ में आया, 10^-6 फैराड्स, और वो भी प्लेट एरिया बढ़ा करके नहीं, बीच में अच्छी खासी डाइलेक्ट्रिक लेके जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो 1 फैराड इज ए लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, आपको ये याद रखना है। जैसे 1 न्यूटन इज ए लार्ज यूनिट ऑफ फोर्स और ए स्मॉल यूनिट ऑफ फोर्स, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, 1 न्यूटन इज ए लार्ज यूनिट ऑफ फोर्स और स्मॉल यूनिट ऑफ फोर्स। सोचो 1 kg का कोई वेट है, नमक खरीद के लाए 1 kg वाला पैकेट टाटा का नमक, उसका वजन कितना है 1 kg, वेट कितना था 1 × g 10 न्यूटन, मतलब 100 ग्राम का जो वेट होता है, जो वेट फील होता है वो 1 न्यूटन है। समझ में आ रहा है, 1 न्यूटन इज ए वेरी स्मॉल, नॉट वेरी स्मॉल बट ए वेरी बट ए स्मॉल यूनिट। डाइन कहेंगे तो वो काफी छोटा हो जाएगा क्योंकि 10^5 डाइन्स में 1 न्यूटन होता है। समझ में आ रहा है, तो याद रहे कि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कैसा होता है। जैसे 1 जूल, 1 जूल इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी और लार्ज यूनिट ऑफ एनर्जी, से वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किलोवाट आवर में एक्सप्रेस करते हैं, है ना? अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा हुआ, इन डीसी सर्किट्स दी एट स्टेडी स्टेट दी करेंट थ्रू और देर इज नो करेंट थ्रू कैपेसिटर्स। ये सारे चीज के ऊपर हम लोग आज न्यूमेरिकल करेंगे, ध्यान से रखना कि डीसी सर्किट में कोई कैपेसिटर के अंदर से कोई करंट जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चार्ज हो जाता है और सप्लाई वाला पोटेंशियल फिर इसको रोक देता है, है ना? प्रीवियस क्लास में हम लोग बताए स्टेडी स्टेट मतलब फाइनली, शुरू शुरू में तो चार्ज जाएगा, जैसे कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा
उसके बाद वो रोक देगा और करंट नहीं जाएगा। स्टेडी स्टेट मतलब फाइनली, जैसे डीसी सर्किट में कैपेसिटर को लगाएंगे थोड़ी देर के बाद देखोगे कैपेसिटर में करंट नहीं है, लेकिन शुरू शुरू में कुछ करंट जाएगा। प्रीवियस क्लास भी बताया था करंट ऐसे होता है, डिक्रीज करके जाता है। हाँ, अभी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ध्यान रखे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए चार्ज कैपेसिटर। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए चार्ज कैपेसिटर, तो क्या होता है उसमें? होता ये है कि कोई कैपेसिटर था और उसको बैटरी लगाए, चार्ज हो गया, यहाँ पे आया क्यू, यहाँ पे आया माइनस क्यू, अब आपने बैटरी को खोल दिए तो इस प्लेट में जो चार्ज था वो चार्ज तो रहेगा ही, किधर जाएगा? दोनों के बीच में इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है, ये चार्ज इधर जा नहीं सकता, तो प्लेट पे जो चार्ज था वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो कहेंगे चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ में आया क्या? चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन कॉन्स्टेंट। तो क्या लिखेंगे? इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ए चार्ज कैपेसिटर देन द चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन कॉन्स्टेंट। समझ में आया? न्यूमेरिकल करने में ये काफी मदद करेगा स्टेटमेंट। होपफुली सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। नंबर फाइव, व्हेन बैटरी इज इन कनेक्शन अक्रॉस ए कैपेसिटर, अक्रॉस ए कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्टेड है, तो आप जानते हो अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगा तो चाहे बैटरी का कुछ भी वोल्टेज हो ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये चार्ज हो जाएगा उस पोटेंशियल डिफरेंस में। ये VC will be same as V0, ये ऐसे चार्ज हो जाएगा। जब तक बैटरी कनेक्टेड है इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। सो व्हेन बैटरी इन कनेक्शन अक्रॉस ए कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन शेप साइज एंड एंड द नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी। तो क्या लिखेंगे लास्ट पॉइंट में? लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप साइज एंड नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये क्यू बाई भी है तो क्यू और भी के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। बाई चेंजिंग क्यू और भी कैपेसिटेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या ये सारा पांच पॉइंट आप लोग छह पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस, सीधे सीधे हम इसके ऊपर क्वेश्चंस में जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। ओके, लेट अस सी द क्वेश्चंस। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, प्योर फंडामेंटल क्वेश्चन है। ए 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर वाज कनेक्टेड अक्रॉस 10 वोल्ट बैटरी, फाइंड चार्ज ऑफ कैपेसिटर और चार्ज ऑन कैपेसिटर भी मोर अप्रोप्रिएट। चार्ज ऑन कैपेसिटर, देखो चार्ज ऑन कैपेसिटर की जब बात चल रहा है, हम देखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट में अगर क्यू चार्ज है, नेगेटिव प्लेट में क्या चार्ज है? माइनस क्यू। टोटल चार्ज इज जीरो, लेकिन चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर पूछा गया तो बोलना है क्यू, दैट इज चार्ज ऑन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन। पूरा सेंटेंस कहे ढंग से तो कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज क्यू।
लेकिन पूछने के लिए हर जगह आपको मिलेगा चार्ज एंड कैपेसिटर। एक्चुअली वट इज द टोटल चार्ज एंड कैपेसिटर? जीरो। समझ में आ रहा ना, ये दिमाग में रखना है। तो चार्ज एंड कैपेसिटर कितना है, तो सीधे सीधे तो फॉर्मूला है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q इज गिवन बाय C इनटू V। कितना सिंपल है, C इज 20 माइक्रो फराड, मतलब 10^-6 फराड। V इज 10 वोल्ट, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 × 10^-5 कूलम। आप चाहो तो आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 200 माइक्रो कूलम, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, सिंपल है लेकिन यही आता है। क्यू सी भी में से दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर वाज चार्ज टू 5 वोल्ट। ए 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर चार्ज टू 5 वोल्ट इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस। कोई 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है और उसको चार्ज कर दिया गया है और ये किसी एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर है, बताओ व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट। यू नो द नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। और आप जानते हो कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। तो ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि लोग क्या करते हैं, क्यू निकाल देते हैं, क्यू इज इक्वल टू सीवी करके, सी दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, वी दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो निकाल देते हैं कि चार्ज इज कितना, क्यू चार्ज ऑन प्लेट्स कितना है, कितना है, 10 × 5 = 50 माइक्रो कूलम, लेकिन टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, 0। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर होता है 0, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट में जितना चार्ज होता है नेगेटिव प्लेट में उतना ही ऑपोजिट चार्ज होता है, इक्वल टू 0। तो क्या फ्लक्स निकलेगा, नेट फ्लक्स कमिंग आउट विल बी 0। कभी कभार ये इसको लेके लोग Q बाई एप्सिलॉन 0 लिख देते हैं जो कि गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट कितना है, 0। अब इसमें देखो, इसमें अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसमें माइनस क्यू चार्ज है। समझ में आया, मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है उसका एक साइड में क्यू ना होता है, दूसरा साइड में भी क्यू होता है। क्यों, कौन बोला ऐसे, हम तो नहीं बोले। यही जो चार्ज यहाँ पर आता है उस चार्ज को जाके अट्रैक्ट करने के बाद दोनों इंड्यूस हो जाते, एक तरफ इधर क्यू कहा होगा, बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, क्यू ऑन। जैसे ये अगर एक प्लेट हुआ, जैसे आप इसको चार्ज दिए, इसमें इंडक्शन हुआ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को थोड़ा देखते रहेंगे, क्योंकि दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, दे विल बी अपीयरिंग ऑन द इनर सरफेस। हम बताए थे कैपेसिटेंस की जो प्लेट है, प्लेट के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, खाली दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर हम कहेंगे कि ये एक कैपेसिटर है, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किए लेकिन क्यू चार्ज दे दिए, अब क्यू बाई टू इधर भी होगा, क्यू बाई टू इधर भी होगा। समझ में आ रहा है, लेकिन जब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं वो खींचता है दूसरी तरफ, अट्रैक्ट करता है, है ना, ठीक है, ठीक है। टोटल नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज 0। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरड। मतलब क्या दिया है, दिया है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, ए एप्सिलॉन 0 / डी इज गिवन कितना, 20 माइक्रोफैरड। इफ इट इज डिप्ड इनटू ऑयल, इन ऑयल, इन ऑयल, जब ऑयल में डुबा देंगे उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एयर कैपेसिटर था, अब दोनों प्लेट के बीच में ऑयल भी घुस जाएगा, नहीं? Yes, तो इट विल बी 20 × εr, जबकि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 80 माइक्रोफैरड। अगर इसको ऑयल में डुबा देंगे कैपेसिटेंस बन जाएगा 80 माइक्रोफैरड। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर चार्ज टू 20 वोल्ट वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड देन इट वाज डिप्ड इनटू ऑयल, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आ रहा है, बोल रहा है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, कितना है कैपेसिटेंस, 20 वोल्ट, तो इन एयर
जब वो एयर में था, इसका कैपेसिटेंस कितना है? पहला प्लेट का एयर कैपेसिटर C1, इट इज ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, कुछ होगा C1 था, और V1 कितना था? 20 वोल्ट। तो Q1 क्या था? यू नो C1 V1। बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, वंस द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड व्हाट यू से अबाउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? जो प्लेट में जो चार्ज था वहीं पड़ा रहेगा, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तो जाएगा कहां? सो एज बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन कॉन्स्टेंट, वो बदल नहीं सकता, कहां जाएगा वो? ठीक है ना, चार्ज ऑन कैपेसिटर रिमेन कॉन्स्टेंट। नाउ इन ऑयल के अंदर की बात अगर चलेगा तो जो कैपेसिटेंस होगा उसको क्या कहेंगे? ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाई डी। Q2 क्या होगा? वही C1 भी, क्योंकि चार्ज पहले जो था अब भी वही रहेगा, चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया है, चार्ज इज नॉट गोइंग टू चेंज C1 V1। अब कैपेसिटेंस मालूम है, चार्ज मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, कैसे पता करेंगे? नाउ द कैपेसिटेंस इज C2, चार्ज इज Q2, C इज इक्वल टू Q बाई V, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई C, V हो गया Q बाई C, तो हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये सॉल्यूशन था, आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन ऑयल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑयल इज इक्वल टू Q2 बाय C2, है कि Q2 बाय C2। आपको समझ में आना चाहिए कि Q2 बाय C2 कैसे हुआ, है ना? C इज इक्वल टू Q बाय V, अबे C इज इक्वल टू Q बाय V है तो V क्या होगा? Q बाय C। तो कप और के अंदर चार्ज मालूम है और कैपेसिटेंस मालूम है, तो Q2 बाय C2, Q2 कितना है? यू से इट इज Q2 इज नथिंग बट C1 V1, और ये C2 कितना है? C2 को थोड़ा प्यार से देखो, तो ये C2 जो है वो कितना है? आप जानते हो कि C1 वाज ए एप्सिलॉन 0 बाय डी, C2 इज ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाय डी, कैन आई राइट इट एज एप्सिलॉन आर C1? यस सर। C1 के साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई कर दो, C2 आ रहा है। अब C2 के वैल्यू लिखो क्या है? एप्सिलॉन आर C1, C1 C1 को खा गया, क्या था मालूम नहीं है, जरूरत भी नहीं है, आंसर आया V1 बाय एप्सिलॉन आर। पहले V1 क्या था? 20 वोल्ट, एप्सिलॉन आर ऑयल का कितना है? 4, तो क्या बन गया ये? 5 वोल्ट, सो द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 5 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ऑयल में डुबाने के बाद कैपेसिटेंस बदल जाएगा लेकिन चार्ज वही रहेगा, ठीक है? सो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्यू बाई सी होगा, ठीक है? मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, तब जाके आपका कंफर्म आएगा कि हाँ समझ में आ रहा है बोल के, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड वाज चार्ज टू 6 वोल्ट। ध्यान से देखो, कोई पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर चार्ज टू 10 वोल्ट, चार्ज टू 6 वोल्ट, तो शुरू शुरू में कहेंगे कि कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड और आपका वोल्टेज यू हैव अप्लाइड इज 6 वोल्ट, सो इसमें चार्ज कितना है? इट इज कमिंग आउट टू बी V1 इज 6 वोल्ट, सो Q1 कितना हो जाएगा? C × V1, सो 10 × 6 इज 60 माइक्रोकूलम्ब। ये था कैपेसिटर पे चार्ज। अब अगर इस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद हम 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे विथ लाइक पोलैरिटीज टुगेदर, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट के साथ और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव प्लेट के साथ। अभी क्या हुआ? कैपेसिटर के क्रॉस में हम वोल्टेज को बढ़ा दिए,
वोल्टेज पहले था 6 वोल्ट, अब लगा दिया हम 10 वोल्ट, और आप जानते हो कि कैपेसिटेंस इज क्यू बाई वी, हमने वी बढ़ा दिया, कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? वी को बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि घटेगा? अरे नहीं, इट डजंट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी, ये तो एप्सिलॉन बाई डी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्यू एंड वी, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, लेकिन व्हाट विल बी द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, सेम एज 10 वोल्ट, फाइनल ये 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी बैटरी लगाओगे कैपेसिटेंस के वोल्टेज उतना हो जाता है, नहीं? नाउ फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटर के बाद फाइनल चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर? अब फाइनल कैपेसिटेंस तो वही है, कितना फाइनल कैपेसिटेंस जो था वही 10 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना हो गया 10 वोल्ट, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 100 माइक्रोकुलम, ये जो पॉजिटिव प्लेट था इसमें 60 माइक्रोकुलम चार्ज था, अब इसको लाके हम 10 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किए, अब इसमें प्लेट में कितना हो गया 100 माइक्रोकुलम, तो बैटरी ने कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया, 60 माइक्रोकुलम था, अब हो गया 100, तो कितना गया 100 माइनस 60 40 माइक्रोकुलम, तो हम कहेंगे एडिशनल चार्ज सप्लाइड, एडिशनल चार्ज सप्लाइड इज इक्वल टू 100 माइनस 60 इज 40 माइक्रोकुलम, इट इज 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइक्रोकुलम, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा कोशिश करो, नया चैप्टर है और जल्दी जल्दी हम थ्योरी पढ़ाते हैं फिर न्यूमेरिकल करना भी शुरू कर देते हैं, तब तक आप समझ तो चुके होते हो लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किए होते हो, अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैं सोल्यूशन बना देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, धीरे 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 हो जाएगा, सो वी सी दीज 5 क्वेश्चन, और कुछ 5 क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है? ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज प्लेट सेपरेशन 4 मिलीमीटर, मतलब कौन सा डाटा है, सॉल्यूशन है ऐसे डी, डी इज 4 मिलीमीटर, नहीं हाँ, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट, भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज 60 वोल्ट, पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, क्या आपको फॉर्मूला याद आता है, E is equal to V by D, और dV by dx वाला फॉर्मूला लगाओ, so E is equal to simply V by D करना है 60 वोल्ट, और वोल्ट पर मीटर में लिखना चाहेंगे तो मिलीमीटर को भी मीटर कर देंगे, 4 into 10 power minus 3 मीटर कर देंगे, so it is coming 15,000 वोल्ट पर मीटर, कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है देख रहे हो, इस 15,000 वोल्ट पर मीटर, बढ़िया, डायरेक्टली यही क्वेश्चन बोर्ड में आता है और सीएचएसई वालों का भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चार्ज ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, इफ द ड्रॉप इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अपवर्ड देन अपॉन रिलीज व्हाट विल बी मोशन ऑफ द ड्रॉप, देखो ये कोई कैपेसिटर प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा होगा और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा होगा और उसका वेट नीचे की तरफ है mg और ये इक्विलिब्रियम में है, नहीं बोल रहा है कि ये ड्रॉप को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूंगा और छोड़ दूंगा तो ये ड्रॉप का मोशन सब्सिक्वेंट मोशन कैसे होगा बताओ, ऊपर भाग जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऑसिलेट करेगा, क्या होगा, व्हाट यू फील, क्या हो जाएगा, चलिए सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि यहाँ पे ये चार्जेस खींच रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, होगा ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स आ रहा होगा, yes, और उसका अपना वेट है mg, और ये इक्विलिब्रियम में है मतलब eq mg के बराबर है, इसलिए तो इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे क्या mg बदलेगा, नहीं, क्या q बदलेगा, नहीं, क्या e बदलेगा, अरे e तो यूनिफॉर्म होता है तो e भी बदलेगा क्या, नहीं, E नहीं बदलेगा, Q नहीं बदलेगा, mg नहीं बदलेगा, मतलब जहां छोड़ दोगे वहीं लटक जाएगा,
इट इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नीदर इन स्टेबल नॉर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा ऊपर करके छोड़ दोगे, जहां छोड़ दोगे वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हर जगह वही ई है। ई इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? एज ई इज यूनिफॉर्म बिटवीन प्लेट्स द ड्रॉप विल be at rest at new position। new position में छोड़ दिए तो वहीं रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। the drop will not move, ये जहां छोड़ देंगे वहीं पड़ा रहेगा, it will not move। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? yes, ये physics है भाई, बड़ा interesting होता है। It can be a fall if you know how to learn। नहीं तो बड़ा खतरनाक होता है, लगता है कि कब पीछा छूटेगा इससे। Anyway, question number 8। Now a similar question। Now I hope you can think। A charged oil drop of mass m is at rest between plates of a capacitor as shown। Find the charge on the drop। ये कोई एक कैपेसिटर है, हर एंटर प्लेट से उसके क्रॉस में वोल्टेज लगाया गया है V0 और प्लेट सेपरेशन डी दिया गया है, कोई ड्रॉप है बीच में, रेस्ट में है। पूछा है बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन द ड्रॉप, ड्रॉप के ऊपर क्या चार्ज है। तो कितना मैग्नीट्यूड है चार्ज का बाद में देखेंगे। चलो तो पहले पता करते हैं कि चार्ज ड्रॉप गिर क्यों नहीं रहा है, जबकि इसका ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा होगा। द ग्रेविटी मस्ट बी पुलिंग इट, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा है, फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन सा डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इक्यू। अगर इसमें चार्ज क्यू है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इक्यू। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज के ऊपर ऐसा फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ। मतलब चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? इट मस्ट बी ए नेगेटिव चार्ज। पता चला, द चार्ज मस्ट बी ए नेगेटिव चार्ज। एज द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे द चार्ज मस्ट बी नेगेटिव। पहले क्या लिखेंगे? हियर E is directed from higher to lower potential and therefore downward। Electric field downward है। हाँ, ये समझ में आ गया कि electric field is downward। For equilibrium of drop, the electric force has to be upward thus charge on drop must be negative, let charge on drop is minus q। चलो ये मानते हैं कि charge on the drop minus q है, तो ठीक है। at equilibrium अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, आप जानते हो कि E का वैल्यू कितना है, V0 है पोटेंशियल डिफरेंस, D है प्लेट सेपरेशन, थोड़ी देर पहले देखे थे, प्लेट सेपरेशन D है, पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, तो E हो गया V0/D। और यहाँ पे कोई ड्रॉप है जिसका मास m है, चार्ज माइनस q है, तो फोर्स आएगा EQ ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg। तो पता चला EQ must be equal to mg। अब E क्या है? इट इज V0/D, q इज इक्वल टू mg और q हो गया mgd / V0, सो चार्ज ऑन ड्रॉप।
ड्रॉप के ऊपर क्या चार्ज है? माइनस क्यू। कितना है? माइनस एम जी डी बाय भी ना, माइनस एन छूट जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। समझ में आया क्या? तो चार्ज ऑन द ड्रॉप इज माइनस क्यू, दैट इज माइनस एम जी डी बाय भी ना। क्या समझ में आया? यस यस यस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर शोन फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है बताओ? ये कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है? अब चार्ज कितना है? सीवी होता है। पहले 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 सोचते हैं कि यहां से क्या करंट निकलेगा। यहां से तो करंट तब निकलेगा जब करंट को वापस आने के लिए रास्ता मिलेगा। करंट ऑलवेज फ्लो इन ए क्लोज लूप। ठीक है, करंट अगर इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर तो नहीं जा सकता। डीसी सर्किट में थ्रू कैपेसिटर देयर इज नो करंट, दैट मींस ऑल द करंट जो इधर से आ रहा है वो इधर से ही जाएगा और ऐसा करते हुए वापस आएगा। ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन को मैं बना रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू पाथ ऑफ करंट, करंट जिस रास्ते में जा रहा है उसको अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो यहां पर हम गेन करेंगे 10, और यहां पर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लॉस करेंगे 2i, यहां पर फिर से लॉस करेंगे 3i, दैट इज इक्वल टू 0। यहां से i कितना मिल गया? 2 एम्पियर। करंट इज 2 एम्पियर, राइट? नाउ भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 माइक्रोफैराड, कैसे पता करेंगे? अरे क्या पता करना है, यहां से यहां तक जाओ, किधर से भी जाओ, यहां से जाओगे तो ये 3i हुआ, i तो 2 एम्पियर है, सो इट इज कमिंग 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट। q चार्ज ऑन 20 माइक्रोफैराड, q इज इक्वल टू c इनटू v, c है 20, v है 6, इज 120 माइक्रोकुलम। चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 120 माइक्रोकुलम। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करो, डू द सेम वे। पहले बताओ कि जो बैटरी है क्या उसमें से करंट फ्लो करेगा? चलिए देखते हैं। अगर करंट को वापस आने के लिए रास्ता मिलेगा तो सपोज करंट यहां से निकला, यहां पे आया, बताओ क्या ऊपर जा पाएगा? नहीं, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर से करंट नहीं जा सकता। अगर यहां से एक्स करंट आ रहा है तो एक्स करंट यहां पे ऐसे मुड़ेगा, इधर आया, इधर आने के बाद क्या इधर जा सकता है? नहीं, इट विल गो दिस वे, तो इधर गया, फिर इधर निकला और अपना रास्ता कंप्लीट करते हुए घर वापस आया। फॉलो दिस सेम प्रोसेस, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू पाथ ऑफ करेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देन 2 माइक्रोफैराड में कितना चार्ज है जानने के लिए उसके अक्रॉस में क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस विल गिव यू द चार्ज, नहीं? ठीक है करो करो, यू कैन डू इट। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू पाथ ऑफ करेंट, तो यहां से कहीं से शुरू करते हैं और घूम फिर के वापस आते हैं। कौन से रास्ते में घूम फिर के वापस आएंगे? ये रास्ते में ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे करके ऐसे आएंगे। हाँ ठीक है, चलिए चल के देखते हैं क्या हो रहा है आगे की कहानी। शुरू किए यहां से तो गेन किए 20 वोल्ट, फिर इधर से गए तो यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो विल रेट इट इज 2x माइनस, फिर यहां पर करंट के डायरेक्शन है फिर से 3x माइनस, यहां पर करंट के डायरेक्शन है माइनस 5x, एंड वापस आ गए यहां पे तो हो गया 0, तो x इज कमिंग आउट टू बी 2 एम्पियर।
एक्स हो गया 2 एम्पियर भैया। एक बार एक्स 2 एम्पियर बन गया तो अब हमारा काम आसान हो गया। बताओ V2 मतलब PDA क्रॉस 2 माइक्रोफेराड कितना होगा? 2 माइक्रोफेराड ये है, इसके क्रॉस में चलो ना यहां से इसे ऐसे करके आओ यहां तक, गेन किए 3x, गेन किए 2x, 3x प्लस 2x इज कमिंग आउट टू बी 10 वोल्ट। और Q2 क्या होगा? Q2 इज 2 माइक्रोफेराड इनटू 10 वोल्ट इज 20 माइक्रोकुलम। क्या बात समझ में आ रहा है? ये हो गया 20 माइक्रोकुलम। किसमें चार्ज है? 2 माइक्रोफेराड में। अच्छा तो फिर अगले वाले में 3 माइक्रोफेराड में कितना है वो आपको निकालना आता है। यू कैन डू इट। चलिए चलिए जल्दी जल्दी करिए। व्हाट इज द चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड? पहले निकालो V3। V3 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 3 माइक्रोफेराड। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 3 माइक्रोफेराड कितना हो जाएगा? देखो 3 माइक्रोफेराड है ये वाला। तो यहां से यहां तक चलो ना, गेन किए 5x, गेन किए 3x, 5x भी गेन कर रहे हैं, 3x भी गेन कर रहे हैं, तो हो गया क्या 16 वोल्ट। यस, तो Q3 क्या हो जाएगा? इट इज 16 वोल्ट इनटू 3 माइक्रोफेराड इज 48 माइक्रोकुलम। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? यस यस यस। समझ में आया? बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि इनके सब पे डीसी सर्किट करंट थ्रू कैपेसिटर इज जीरो, है ना? करंट कैपेसिटर में जीरो होता है, उसको लेके आपको करना है। सर मतलब स्टेडी स्टेट में पहुंचने से पहले तो जितना जा, हां ठीक, हां बस स्टेडी स्टेट से पहले तो कुछ करंट हुआ करता है उसमें, आरसी ट्रांजिएंट में हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले है अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना फॉर्मूला को सारा को याद रखेंगे तो बहुत सारे वन मार्क वाला कैपेसिटेंस में क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रहे कैपेसिटेंस में जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। सी इक्वल टू क्यू बाई वी और एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ई इक्वल टू वी बाई डी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वी इक्वल टू क्यू बाई सी और ई इंटू डी और क्यू डी बाई एप्सिलॉन। और क्या याद रखें हम लोग? याद ये रखेंगे व्हेन बैटरी इज इन कनेक्शन वी इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड तो आपको हो गए क्यू इज कांस्टेंट। ये चीजें हमें मालूम है, है ना? ये हमें मालूम है। ठीक, लेट अस गो टू द क्वेश्चंस। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर वाज चार्ज एंड देन बैटरी वाज डिस्कनेक्टेड। मिल गया, डिस्कनेक्टेड लिखा है। यस, बैटरी वाज डिस्कनेक्टेड, तुरंत दिमाग में आना चाहिए। व्हाट विल बी कांस्टेंट? चार्ज। चार्ज ऑन द प्लेट विल रिमेन कांस्टेंट। बैटरी लगा रहेगा तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, डिस्कनेक्ट हो गया तो चार्ज कांस्टेंट होगा। देन प्लेट सेपरेशन वाज इंक्रीज, मतलब डी को बढ़ा दिया गया। अब यहां पर ये सारे क्वांटिटी का वेरिएशन पूछा है। से वेदर फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स। यहां पर एक चीज तो कांस्टेंट है, सबको मालूम है। yes, कौन सा चीज है वो? चार्ज। वेरी गुड, आप ठीक से समझ रहे हो, कांस्टेंट, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। एक बार बैटरी डिस्कनेक्टेड हुआ तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। चार्ज तो यहाँ नहीं है, चार्ज तो नीचे। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरा थोड़ा नजर घूम गया था। हाँ, चार्ज ऑन प्लेट इज कांस्टेंट। नाउ व्हाट अबाउट कैपेसिटेंस? सीधा फॉर्मूला क्या हुआ है? डी बढ़ गया है, डी बढ़ गया है, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ए एंड एप्सिलॉन जीरो इज सेम, डी बढ़ गया तो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस,
आप जानते हो क्यू कॉन्स्टेंट है, सी घट गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई सी, नहीं सी इक्वल क्यू बाई वी है, तो सी घट गया तो ये क्वांटिटी बढ़ गया। ई क्या होता है, ई होता है क्यू बाय एप्सिलॉन, याद रहे। सर ये वाला क्यों लिए, दूसरा वाला क्यों नहीं लिए, दूसरा वाला मतलब वी बाई डी वाला, हाँ वी बाई डी वाला भी ले सकते हो, वी बढ़ रहा है डी बढ़ रहा है और दोनों बराबर बढ़ेंगे तब ना कॉन्स्टेंट रहेगा, ये तो मालूम नहीं है कि बराबर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर ए कंफ्यूजन। फाइंड आउट यू गो फॉर द अदर फॉर्मूला ऑफ ई, ई का दूसरा फॉर्मूला था क्यू बाई ए एप्सिलॉन, क्यू तो कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, तो आप कहोगे ई विल रिमेन कॉन्स्टेंट। और यही सबसे ज्यादा बार आया, कोई चार्ज कैपेसिटर का बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद प्लेट सेपरेशन को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस विल इंक्रीज। फाइन, यहां तक की चीजें समझ में आया। अगला क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर वाज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, और बैटरी कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी, तो क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वी विल बी ए कॉन्स्टेंट। सेम क्वेश्चन है, द प्लेट सेपरेशन वाज इंक्रीज, ये क्वांटिटी बढ़ेंगे या घटेंगे। अब बैटरी कनेक्टेड रहे ना रहे, हाउ डज इट मैटर टू कैपेसिटेंस, ये तो एप्सिलॉन बाय डी है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, डी बढ़ गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस घटेगा। क्यू होता है सीवी, है कि नहीं, क्यू होता है सीवी, सी घट रहा है, वी कॉन्स्टेंट है, फटलापन चार्ज विल डिक्रीज, द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, है ना, चार्ज उसका घट जाएगा। जब कैपेसिटर में चार्ज बढ़ रहा होता है हम कहते हैं कैपेसिटर इज चार्जिंग, जब चार्ज घट रहा होता है तब हम कहते हैं कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप कहोगे Q बाई एप्सिलॉन कर देंगे, अरे Q बाई एप्सिलॉन करने से नहीं बनेगा क्योंकि Q तो यहां पर बदल रहा है, अब वैसे भी A और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, Q घट रहा है तो ये भी घटेगा कह सकते हैं, या फिर E का दूसरा फॉर्मूला तो मालूम है कौन सा वाला भाई, वो जो V बाई डी वाला, yes, यहां पर बैटरी कनेक्टेड है, V कांस्टेंट है, D बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज। आठ में से कितने लोगों का आठ क्वेश्चन सही था, Yes, दो लोगों का आठ क्वेश्चन सही था, ठीक है। अगला, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर वाज चार्ज एंड देन बैटरी वाज डिस्कनेक्टेड, चार्ज करने के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, डिस्कनेक्ट कर दिया गया, क्या कांस्टेंट हो जाएगा, चार्ज, एज इट इज डिस्कनेक्टेड आप कहोगे तुरंत चार्ज कांस्टेंट हो गया, क्यू मस्ट बी ए कांस्टेंट। अच्छा ये बात है तो ठीक है, बाकी के बारे में बोल रहा है कि देन इट वाज डिप्ड इनटू ऑयल, मतलब हुआ क्या, एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन जीरो था, बढ़ के हो गया एप्सिलॉन जीरो इनटू एप्सिलॉन आर, ऑयल डूब गया है, ऑयल में आ गया है, मतलब परमिटिविटी बढ़ गया है, yes, sir. है कि नहीं, yes, sir. अच्छा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ये तो ए एप्सिलॉन जीरो बाई डी होता था, अब उसके जगह एप्सिलॉन का वैल्यू बढ़ गया है, अब ऐसे सोचो कि एप्सिलॉन जीरो के जगह एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर हो गया है, दोनों प्लेट के बीच में ऑयल आ गया है, अब ऐसे कहो कि परमिटिविटी बढ़ गया, एप्सिलॉन बढ़ गया, पहले एप्सिलॉन जीरो था अब एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, चार्ज कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ गया, व्हाट इज वी, वी इज क्यू बाय सी, क्यू कांस्टेंट है, सी बढ़ गया तो वी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, yes. ध्यान रखना कोई चार्ज कैपेसिटर है उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो, हाँ, एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है वी बाई डी वाला, वी बाई डी वाला, और यहाँ पर तो वी घट रहा है जबकि डी कांस्टेंट है, डी को चेंज नहीं करे, वी को घट रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज।
क्या बात, सबको समझ में आया? तो 12 से 12 कुछ लोगों का ठीक हुआ? नहीं सर, क्वेश्चन हम डिस्कनेक्टेड छोड़ दिए। ठीक है, तो काफी लोग इसको कर लिए, 9 क्वेश्चन तक सही किए, 10 सही हो गया। ठीक है, हाँ बोलो रोशन। अब सबसे आखिरी सवाल आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। यहां पर कोई एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था, और इसकी अक्रॉस में ये कितना था, 20 माइक्रोफराड का कैपेसिटर 10 वोल्ट में लगा हुआ था। इन एयर कैपेसिटर is connected across a battery as shown. Find charge on capacitor. कितना सिंपल, वो तो सबको आता है, सीवी। Now if a dielectric of epsilon r is equal to 3 is filled in space between plates, find additional charge supplied by battery. अब ये कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो इसमें कुछ चार्ज था, पूछा है कितना चार्ज, कितना चार्ज था, ठीक है पता कर लिए। अब बोल रहा है कि डायलेक्ट्रिक पे डायलेक्ट्रिक स्लैब ला के दोनों प्लेट के बीच में घुसेड़ दिए, है ना, या अब जब डायलेक्ट्रिक से अंदर डाल देंगे तो बैटरी और भी कुछ चार्ज सप्लाई करने लगेगा, पहले तो कुछ कर चुका था, फिर से कुछ करेगा, कितना करेगा, व्हाट एडिशनल चार्ज इट विल सप्लाई। क्लू सिंपल है कि अगर पहले हम देख लेंगे, पहले जब कोई डायलेक्ट्रिक नहीं था कितना चार्ज था, डायलेक्ट्रिक होने के साथ साथ कितना चार्ज था, पहले इतना था अब इतना है, तो जितना एडिशनल वो सप्लाई किया है नहीं, हाँ तो कर, यू कैन डू इट। सॉल्यूशन में कहेंगे Q1 इनिशियल चार्ज कितना है, इनिशियल चार्ज इज C1 ही, C1 कितना था भाई, ये 20 माइक्रोफैराड था, अभी कितना था 10, सो 20 × 10 इज इक्वल टू 200 माइक्रोकूलम आफ्टर डाई इलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, C2 इज ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बाय डी। पहले जो C1 था वो C1 क्या था, वैल्यू दिया हुआ है, उस C1 का वैल्यू दिया हुआ था कितना, ए एप्सिलॉन 0 बाय डी कितना दिया था, 20 माइक्रोफैराड ये दिया हुआ था। अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, अब ये क्या बन जाएगा, ये क्वांटिटी तो C1 है, ये तो है 3 दिया है, इट इज 3C1, सो इट इज 3 × 20 इज 60 माइक्रोफराड, C2 मिल गया, बैटरी अब भी कनेक्टेड है, नाउ चार्ज कितना है, C2 × V इट इज 60 × 10 600 माइक्रोकूलम। सोच लो कैपेसिटर में पॉजिटिव प्लेट में पहले था 200 माइक्रोकूलम, अब ये डायलेक्ट्रिक डालने के बाद चार्ज हो गया 600 माइक्रोकूलम, नाउ व्हाट इज द एडिशनल चार्ज सप्लाइड, यस 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 एडिशनल चार्ज सप्लाइड
इज इक्वल टू 600 माइनस पहले से था 200 इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम। क्या सबको समझ में आया? बढ़िया। बिफोर वी अटेंड आर प्रोसीड, मैं अपील करूंगा कि आप लोग इसके ऊपर ढेर सारा कोचिंग थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ ताकि सारा फॉर्मूला आपको याद रह जाए। इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्लास मैं आपको पहले इस फॉर्मूले के ऊपर छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा 15 मिनट का। सीधे क्वेश्चन लिखे रहेंगे, आपको आंसर नहीं लिखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधे आपको आंसर लिखना है और फिर उसका मैं टेस्ट लूंगा। आई कीप सम क्वेश्चंस रेडी डायरेक्ट फॉर्मूला में और उसको वैल्यू आपको लिखना होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।